हेलो, तो स्वागत है आप सबका टीम सोरे में। बात करने वाला अपना जो आज का मैच रहेगा, किस किस के बीच में, एक तरफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ से श्रीलंका की टीम, ठीक है, जिन्होंने अभी जो रिसेंटली हुआ था क्या जो श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान के मैचेस हुए थे उसमें श्रीलंका ने सीरीज जीती थी। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलते हैं यूएई, और मैचेस किसके हैं जिसको नहीं पता है, ये है आईसीसी ओडीआई क्वालिफायर्स के मैचेस। तो जो भी टीम है और जितने भी मैचेस है, एक एक मैच सब टीम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनता ही है। कोई भी भाई यहाँ से मैं बोलूँगा कि ढिलाई है ही नहीं, कोई भी ये मान के नहीं चल सकता कि ये मैच अगर हार गए तो कुछ नहीं होगा। एक एक मैच यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सभी टीम्स के लिए, ऐसे इन दोनों टीम्स के लिए। दोनों जीतने का ट्राई करेंगे। बाकी आपको पता है कि श्रीलंका ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, बट दिक्कत यहीं आ जाती है टीम बनाने में, ठीक है, कि भाई अगर श्रीलंका स्ट्रॉन्ग टीम है तो यूएई की तरफ से कौन से ऐसे 4 से 5 प्लेयर हैं जो रखकर चलने, जो पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि इवन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में भी जो यूएई के जो प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा किया था। फॉर एग्जांपल वृत्ति अरविंद बहुत बढ़िया किया था उसमें। अब यहाँ कैसा करेगा क्या नहीं, और ये सारा जो मैचेस हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं जिम्बाब्वे में, तो क्या स्टैट्स है, सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और आईसीसी ओडीआई क्वालिफायर्स लगातार है तो इसमें विन करने का अपन पूरा ट्राई करेंगे, बढ़िया वाली टीम बनाएंगे, जीतेंगे, मजे करेंगे, और क्या समझ रहे हैं। तो बाकी तुम चैनल पर नए हो तो मेरे को मजे करा सकते हो, कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके तो फटाफट से कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी जो टीम्स है अपडेट्स है गिव अवेज है सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाता है, तो मिस नहीं करना। बाकी बात करते हैं देखो अपने मैच की, तो 12:30 बजे रहेगी इस मैच की लाइन, क्वीन स्पोर्ट्स स्टेडियम, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब है, स्टेडियम नहीं, बुलावाए में जो मैच होने वाला है। और यहाँ से अगर बात की जाए भाई इस वेन्यू की, बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है, 80 मैचेस यहाँ पर खेले गए। चेस करने वाली टीम यहाँ पर नॉर्मली विन करती है, 32 मैचेस बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, एवरेज स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा कम है, बाकी 3 मैचेस टाई रहे हैं यहाँ पर, 3 मैचेस यहाँ पर नो रिजल्ट है, ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट निकल कर किसके ऊपर, कि भाई जो पिछले 4 मैचेस है उसमें क्या कहानी जो है देखने को मिली है हमें, जो ये टीम्स रही है इनकी, किसने विकेट निकाले और किसने नहीं निकाले। देखो भाई यहाँ पर ना 2018 में सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच में, अब आपको पता है रिजल्ट क्या रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी पाकिस्तान जानी जाती है भाई, वीक टीम के अगेंस्ट में खेले, यही तो वो सीरीज है जो एक खेल खेल के स्टैट पैडिंग कर रहे थे, तो यही है देखो। 2018 में हुई थी, 22 जुलाई को जो मैच हुआ, पाकिस्तान ने 364 बनाए, जिम्बाब्वे ने 233 बनाए, 4-4 विकेट जो थे पेस और स्पिन के थे, इवन दोनों इनिंग में भी मैं बोलूँगा बराबर बराबर विकेट्स थे पेस और स्पिन के। 20 जुलाई को मैच हुआ, पाकिस्तान ने 399 बनाए, जिम्बाब्वे ने बनाए 155, पेसर्स के भाई फर्स्ट इनिंग में तो विकेट आए नहीं, ऑब्वियसली एक ही विकेट गिरा था, सेकंड इनिंग में जो जिम्बाब्वे वो टीम ऑल आउट हो गई और पेसर स्पिनर्स दोनों को विकेट मिले बराबर बराबर, ठीक है। उसके बाद में 18 जुलाई को मैच हुआ, यहाँ पर जिम्बाब्वे ऑल आउट हो गई 25 ओवर में मात्र 67 रन्स पर, और यहाँ से जो पाकिस्तान की तरफ से विकेट्स थे ना वो लिए भाई 8 विकेट तो पेस ने और 2 विकेट स्पिन ने। यहाँ पर आप देखोगे 16 जुलाई 2018 को मैच, जिम्बाब्वे ऑल आउट हो गई, 7 विकेट पेस के, 1 विकेट यहाँ से स्पिन को मिला था। और ऐसा नहीं है कि भाई टीम जल्दी ऑल आउट हो रही थी तो स्पिन ने ओवर कम डाले थे, यहाँ से ना 2 स्पिनर्स थे जहाँ तक मेरे को याद है, यासिर शाह और शादाब खान, और दोनों भाई भर के ओवर डाल रहे थे बट विकेट नहीं मिल रहे थे। तो एक चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है कि पेसर्स यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है, स्पिनर्स के कंपैरिजन में, और बाकी जो भी स्ट्रॉन्ग टीम है वो एक अच्छा टोटल लगा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग टीम के लिए आप मानकर चलो कि भाई एक बैटिंग पैराडाइज हो सकता है, जब पाकिस्तान 399 बना रही है वो भी मात्र 1 विकेट को कर। वहीं आते हैं अपने बॉलर जो पिछले 4 मैचेस में विकेट निकाले, तो स्पिनर्स के विकेट आपको एज यूजुअल कम ही देखने को मिलते हैं, 25 विकेट पेसर्स के, 6 विकेट स्पिन के फर्स्ट पर, सेकंड में 7 है, और पेसर्स की बात की जाए फर्स्ट इनिंग में अच्छे खासे विकेट है, वो थोड़ा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच है थोड़ा वीक और स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में, इसी वजह से बाकी 8 विकेट पेसर्स के देखने को मिलते हैं। बट आज के लिए दोनों टीम को अंडर एस्टिमेट करना मत, क्योंकि यहाँ भाई फेरबदल ही हो रहा है एक तरीके से ना, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि धक्का मिल रहा है यहाँ से टीम्स को, ठीक है, जैसा वेस्ट इंडीज़ को एक तरीके से मिल ही गया था यूएसए से बैटिंग करते वक्त। बाकी श्रीलंका की तरफ से अगर बात की जाए तो पाथुम निशान का, दिमुथ करुणारत्ने जो है ओपन करने वाले, और पाथुम निशान का ने जो है सीरीज़ में अभी रन्स बनाए थे जो इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में खेले थी, और सेम दिमुथ करुणारत्ने के बीच में, और देखो मैच है भाई यूएई के साथ में, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से पाथुम निशान का दिमुथ करुणारत्ने, ये तीनों प्लेयर्स का ना जो सीवीसी कॉम्बिनेशन है रोटेट करके, कभी आप मेंडिस करुणारत्ने को कर दो, ठीक है, कभी आप मेंडिस निशान को कर दो, बट ये जो 3 प्लेयर है ना इनका कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके आपकी ग्रैंड लीग टीम में ज़रूर ट्राई करना,
सिदीरा समारा विक्रमा को मैं बोलूँ किसी किसी टीम्स में रख जरूर देना, क्योंकि ये बैटर अच्छा है। जैसा पहले भी बोला था, बहुत टाइम बाद वापसी हुई है, बट ये बैटर काफ़ी सही है, रन वगैरह ही बना लेता है। सिदीरा समारा विक्रमा, जिसको नहीं पता है, बहुत पुराना है श्रीलंका की तरफ से, काफ़ी टाइम बाद वापसी किया। बाकी चरिता सलानका है, अब 5 नंबर पर मेरे को ज़्यादा काम तो लग नहीं रहा, बट अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है थोड़ी भी, कि भाई जो अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं, तो फिर चरिता सलानका कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो अगर सीवीसी करना हो ग्रैंड लीग में, तो मेक श्योर कि आप ऊपर वाले जो बैटर्स हैं उनको ड्रॉप कर दो, और फिर उस केस में आप चरित्र सलानका को ऐसा सीवीसी कर लो, क्योंकि एक मैच इन्होंने खेला था 91 का, बाकी उससे ग्लेन फ्री जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद में धनंजय डी सिल्वा रहेंगे, ये अपनी बैटिंग और बॉलिंग से कुछ ना कुछ कमाल करके जाने ही वाले हैं, तो टीम में तो रखना ही रखना, सीवीसी का ऑप्शन भी आपके पास बनता है। उसके बाद में आते हैं दशुन चनाका, बॉलिंग करा रहे थे एज अ सिक्स बॉलर, क्योंकि आप यहां से देखोगे ना तो इनके पास में तीक्ष्ण, रजिता, कुमारा, असरंगा, शनाका और यहां से सिल्वा, कुल मिलाकर ये 6 बॉलर है। दशुन चनाका यहाँ पर 6th बॉलर काम आते हैं, एज अ 6th बॉलर रहते हैं। बाकी के आप धनंजय डी सिल्वा को मिलाकर देखोगे 5 बॉलर है इनके पास में, तो दशुन चनाका एज अ 6th बॉलर रहेंगे। बाकी बैटिंग से मे भी उतना रन ना बनाए, ओवर भी ये पूरे नहीं डालते हैं। धनंजय डी सिल्वा पूरे ओवर डालेगा, ध्यान रखना। बाकी वानिंदो हसरंगा आपको पूरे ओवर डालते हुए दिखेगा, लास्ट के जो 2 मैचेस वानिंदो हसरंगा ने खेले हैं, वरना इसको ओडीआई में विकेट बहुत कम मिलते हैं, बट पिछले जो 2 मैचेस खेले हैं ना, दोनों में 3-3 विकेट रहे, इम्पोर्ट रहेगा। एज अ सीवीसी आप कर सकते हो, ओब्वियसली काफ़ी सेफ ऑप्शन बनता है। लहिरो कुमारा ओडीआई में काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है विकेट में। रजिता का देखोगे, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ रजिता की, जब भी वो ओडीआई में बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है क्योंकि। और फिर आता है तीक्ष्णा, जो अगर दूसरों के कंपैरिजन में की देखी जाए रिसेंट फॉर्म, तो थोड़ी सी बेकार है, वैसे तो ठीक है, वैसे तो मैं बोलूँगा, बट अगर रजिता और कुमारा से कंपैरिजन किया जाए, तो फिर तीक्ष्णा की रिसेंट फॉर्म थोड़ी तो खराब लगती है। बाकी यहाँ से आपको रखना किस किस को है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि भाई सारे प्लेयर्स के बारे में तो थोड़ा थोड़ा हमें ही पता था, थोड़ा तो हमने बता दिया, क्लियर हो गया। अब रखना किस को है स्मॉल लीग के लिए, देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मतलब, मैं बोलूँगा 3 तो आप यहाँ से बॉलर रख सकते हो, रजिता, कुमारा, हसरंगा, धनंजय डी सिल्वा, इवन 4 हो जाएंगे ये, एज अ ऑलराउंडर आप पिक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आप 3 यहाँ से बैटर रख सकते हो, मेंडिस, करुणा रखते हैं और यहाँ से निशांत का। अब अगर रखना हो तो फिर आपको असलान का को या समारा विक्रमा को, तो फिर भाई यहाँ से मेंडिस को ड्रॉप करना पड़ेगा। ओपनर्स को ड्रॉप करने का मैं उतना सजेशन दूंगा नहीं, दिमुत करुणा रखते ऐसी टीम के अगेंस्ट में एकदम टिक्कर खेल जाता है, ये बंदा आउट होने का नाम नहीं लेगा अगर ये एक बार टिक गया तो, ठीक है, तो वैसा ही है। तो इसी वजह से मैं दिमुत करुणा रखते को नहीं छोड़ रहा हूँ, ना ही पाथुम निशान का को, ये ओडीआई में अच्छा करते हैं, रन वगैरह आप देख भी सकते हो रिसेंट फॉर्म में। तो मैं यहाँ से सदीरा समारा विक्रमा, असलान का, निशान का, तीक्ष्णा, ये 4 प्लेयर हो सकते हैं जिनको मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ। और बाकी कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बताई दूंगा, एक्टिव रहना वहाँ पर। अब बात करते हैं यूएई की तरफ से, क्योंकि दिक्कत यहाँ से आएगी कि भाई जहाँ 7 और 4 वाला कॉम्बिनेशन बनाना है, वहाँ पर 4 प्लेयर यूएई के आखिर रखे तो रखे कौन से। तो मोहम्मद वसीम आपको पता है यूएई का सबसे बेहतरीन बैटर है, बट अभी जो रिसेंट फॉर्म रही थी पिछली, उसमें थोड़ा फ्लॉप हुए थे, बट आखिरी मैच में फिर भी ये 42 रन बनाकर आ ही गए। बाकी एज अ सेफ पिक मैं बोलूँगा वसीम को आप रख सकते हो। आर्यन शर्मा यहाँ से, इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ज़्यादा कुछ खास इन्होंने किया नहीं है। बाकी उसके बाद में वृत्ति अरविंद, तो भाई T20 में चाहे मैं इसको कितनी गालियाँ देता हूँ, ठीक है, देखा भी होगा, ज़्यादा आपने नहीं देखा होगा, बट UAE T20 जो हुए थे उसमें बहुत गालियाँ दी थी मैंने अरविंद को, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा था। बट यहाँ पर वृत्ति अरविंद को लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि अगर आप पिछले मैचेस देखते हो अरविंद के, तो आपको हर बड़ी से छोटी टीम के अगेंस्ट में स्कोर करता हुआ दिखेगा ही बंदा। 33, 94, 57, 25, 93, 45, यहाँ पर भी 18 बना दिए थे, और जो 3 मैचेस इसने खेले हैं, ठीक है, उसमें भी 70, 36 और 40 का स्कोर जो है यहाँ से देखने को मिला है, जो कि खराब नहीं होता है भाई, बहुत बढ़िया होता है, अच्छे खासे पॉइंट दिए। तो वृत्ति अरविंद आपकी टीम में होना चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि अगर बहुत एक बड़ा रिस्क आप ले रहे हो ग्रैंड लीग टीम में, तो ऐसा CVC भी कर सकते हो, क्योंकि ये है थोड़ा संभल कर खेलने वाला प्लेयर, ये अंधाधुंध शॉट्स नहीं खेलता, ठीक है, ये है थोड़ा संभल कर खेलने वाला प्लेयर, तो मैं बोलूँगा कि आखिर तक खेल गया तो अच्छे रन बना जाएगा। तो एक रिस्क लेकर आप ग्रैंड लीग टीम में जो CVC कर सकते हो अरविंद को। बाकी उसके बाद में रमी शहजाद है, ठीक ठाक रन वगैरह बीच बीच में मैं बोलूँगा बना लेते हैं, और आज भी लग रहा है मेरे को 20-25 तो बना जाएंगे, उससे ऊपर तो थोड़ा भगवान भरोसे है मेरे लगता है। बाकी उसके बाद में यहाँ से आसिफ खान थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट है रन बनाने में, एटलीस्ट मैं बोलूँगा रमीज शहजाद से, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। आप या तो रमीज शहजाद को ले लेना, या फिर आप यहाँ से आसिफ खान को ले लेना, ठीक है, इन दोनों में से एक को ले लेना। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो थोड़ा आसिफ खान की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा कंसिस्टेंट है रमीज शहजाद से। बाकी उसके बाद में रोहन मुस्तफ़ा कुछ ज़्यादा खास तो कर नहीं रहे हैं अभी के लिए, 1 विकेट निकालते हैं, ODI में उतनी ज़रूरत नहीं है, ODI में चाहिए भाई कम से कम 50 पॉइंट वाला प्लेयर,
तो वो रहन मुस्तफ़ा मेरे को पिछले 5-6 मैच से कुछ करते हुए दिखे नहीं है। एल नसीर अच्छा किए हैं, ये बंदा कभी कभी 50 मार जाता है और साथ साथ बॉलिंग भी कराएगा, 5 से 6 ओवर का विकेट भी निकाल सकता है, ये आपके लिए है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेयर नसीर। उसके बाद में यहाँ से एन अफजल खान है, अब या तो एन अफजल खान रख लो या नसीर रख लो, कोई भी एक रख लो आपकी मर्जी है, दोनों ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं आज के लिए। एन अफजल खान देखोगे तो विकेट लेने में कंसिस्टेंट है बट रन नहीं बनाता है। नसीर की तरफ देखोगे तो विकेट भी कभी कभार निकाल लेता है, उतना कंसिस्टेंट नहीं है विकेट लेने में, बट रन अगर बना जाएगा तो फिर वो 50+ ही बना के जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से जहूर खान है, बॉलिंग अच्छी की है जहूर खान ने पिछले कुछ मैचेस में, जवादुल्ला ने पहले मैच में आते ही बढ़िया बॉलिंग डाली थी, ठीक है, जो मैं क्योंकि लाइव देख रहा था ये वाला मैच, हाँ तो इसी वजह से। बाकी उसके बाद में यहाँ से आपको मैपन देखने को मिलते हैं, मैपन उतना नहीं लगता कि मेरे को इस पिच पर बहुत ज़्यादा काम आ पाएंगे, ठीक है, इसी वजह से। बाकी अगर ट्राई करना हो, थोड़ा रिस्क लेना हो तो ले लेना। बाकी इस टीम के पास में ना बेंच प्लेयर में जुनैद सिद्दीक भी है, बासिल हमीद भी है इनके पास में, अगर ये रोहन मुस्तफ़ा को हटाकर बासिल हमीद को खिलाना चाहे या फिर ये यहाँ से जवादुल्ला को हटाकर ये जुनैद सिद्दीक को खिलाना चाहे। सिद्दीक का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, जो 3 मैचेस इन्होंने खेले थे ना इनमें भी मैं बोलूँगा गुड़गोबरी किया, एकदम बेकारी परफॉर्मेंस रहा था जो भी सीरीज़ इन्होंने रिसेंटली में खेले। डिसूजा ने 1 मैच खेला था लास्ट वाला, उसमें 6 रन थे। संचित शर्मा की बात की जाए 2 विकेट है, बाकी उससे पहले विकेटलेस है। और यहाँ से फिर आता है बासिल हमीद, इन्होंने कभी कभार तो विकेट बहुत अच्छे निकाले और कभी कभार बहुत खराब है। सबसे जो रीसेंट मैच खेला है 49 बनाए थे और 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेटलेस रहे थे। वेस्ट इंडीज में बोल रहा हूँ, श्रीलंका की तरफ से बेंच में कौन कौन से ऑप्शन है? चमिका करुणरत्ने, ये अगर खेलता है तो सीबीसी ग्रैंड लीग की टीम में सीधा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ओडीआई में अच्छी बॉलिंग रहती है, डेथ में कराएगा, विकेट निकाल सकता है। उसके बाद में यहाँ से पथिरान है, मौका मिलने के कम चांस है, 1 मैच खेले अब तक, 1 विकेट निकाला है। दुश्मनता चमीरा मेरे को चाहिए प्लेइंग 11 में, मेरे को बढ़िया लगता है कि भाई ओडीआई में अच्छी बॉलिंग करता है, क्योंकि विकेट वगैरह से भी आपको पता लग जाएगा कि हर दूसरे मैच में इसने 2-2, 4-4 विकेट निकाल रखे हैं। बट किसकी जगह, ये मैं बोलूँगा श्रीलंका की तरफ से डिसाइड करना मुश्किल है कि भाई दुश्मनता चमीरा को ये लेफ्ट आउट ही कर देंगे पूरा या खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे, ये एक सरप्राइजिंग डिसीजन है। क्योंकि अगर ये खिलाते हैं तो फिर इनको रजीता या कुमारा में से किसी को बाहर बैठाना पड़ेगा, ठीक है, ये एक चीज़ रहने वाली है। बाकी उसके बाद में ऐसे दशुन हेमंता है जो कि राइट हैंड बैटर लेग ब्रेक बॉलर है, विकेट वगैरह बीच बीच में बोलूँगा एक दो यहाँ से निकाले हुए हैं, बाकी T20 का स्कोर है, एक ही मैच इन्होंने खेला था उड़ेगा, 22 रन 0 विकेट थे उस मैच में। वहीं अब आते हैं अपना भाई वेन्यू के ऊपर, ज़्यादा स्टैट्स देखो है नहीं, इसीलिए मैंने प्लेइंग 11 को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस किया है, क्योंकि ना तो इनके हेड टू हेड और ना वेन्यू आपको देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप इनके वेन्यू देखोगे तो 9 मैच में से यहाँ से 6 जीते हैं श्रीलंका की टीम ने, ठीक है, और 1 मैच ये हारे हैं और बाकी के जो आप 2 मैचेस देख रहे हो वो नो रिजल्ट रहे हैं, ठीक है, ये है श्रीलंका की तरफ से कहानी। यूएई ने इस ग्राउंड पर 1 ही मैच खेला, क्योंकि कौन ही आता है जिम्बाब्वे में खेलना, बहुत कम आते हैं ना इसी वजह से। और ये जो आप श्रीलंका के मैचेस देख रहे हो ना, ये भी 2016 की है, मतलब अभी वाले स्कोर से सिर्फ एक कुशल मेंडिस जो था वो उस टाइम पर अवेलेबल था उस टाइम पे स्कोर में, बाकी और कोई भी नहीं था। तो अगर वेन्यू की बात करो तो कुशल मेंडिस है जिन्होंने भाई इस ग्राउंड पर 2 मैच में 151 रन्स बना रखे हैं, बाकी और ज़्यादा आपको देखने को मिलते नहीं है। 2 मैच में 2 जीते हैं श्रीलंका की टीम ने जब इनका हेड टू हेड हुआ था। बाकी अब आ जाते हैं अपनी टीम के ऊपर, सीधा टीम के ऊपर ही आते हैं क्योंकि प्लेयर बैटल वगैरह कुछ यहाँ से है नहीं, ठीक है। अब टीम में आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो देखो टीम की जब हम बात करते हैं तो मैंने टीम में यहाँ से कुशल मेंडिस को रखा हुआ है, यहाँ से वृत्य अरविंद को रखा हुआ है, दोनों ही विकेट कीपर, क्योंकि ये यूएई की तरफ से इम्पोर्ट बनता है। बाकी दिमुत करुणरत्ने, पाथुम निशान का, वसीम मोहम्मद है, नसीर को पिक किया, हसरंगा किया, धनंजय डी सिल्वा किया। मैं यहाँ पर मे बी फाइनल टीम में आयन अफजल खान ले सकता हूँ, तो उसके लिए मैं बोलूँगा टेलीग्राम पर अपडेटेड रहना ज़रूर। बाकी यहाँ से जमान खान है, रजीता है, और यहाँ से लहीरो कुमारा को मैंने पिक किया, ठीक है। चाहो तो जहूर खान की जगह पर आप यहाँ से जवादुल्ला के साथ में जा सकते हो, बंदा डेथ में अच्छी बॉलिंग कर लेता है, स्लोअर रन अच्छी डालता है, बस थोड़ा सा एक्शन इधर उधर है जिसकी वजह से मे भी थोड़ी ख़राब बॉल डालकर रन भी खा सकता है, बट हाँ बॉलिंग अच्छी कर लेता है। पूरे ओवर में आप ये समझ के चलो कि 6 में से भाई 4 बॉल तो बढ़िया डाल जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कीजिए, कैप्टन मैंने किया धनंजय डी सिल्वा को, वाइस कैप्टन मैंने किया पाथुम निशान का को, यहाँ से आप कैप्टन हसरंगा, वाइस कैप्टन पाथुम निशान का भी कर सकते हो, वाइस कैप्टन दिमुत करुणरत्ने भी कर सकते हो, ठीक है। और ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी उसमें श्रीलंका की तरफ से बॉलर्स को ऐसा CVC जरूर कर लेना, क्योंकि चांसेस होंगे कि भाई अगर ये पहले बॉलिंग करने आ गए, अगर श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करने आई तो यूएई को थोड़ा जल्दी समेट दे, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, तो ट्राई ज़रूर करना। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा गिव अवे का कॉन्सेप्ट तो आपने दे ही दिया होगा। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।